make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल SETI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये ऐसे प्रश्न है जो आपको बोर्ड में आना ही आना है। अंक चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। क्या है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है, तो शून्यक है तो कुछ नहीं है। ऐसे अगर सवाल आ जाए इस टाइप का तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 कर देना, और तब एक्स स्क्वायर पर रोक देना, क्योंकि एक्स का मान निकालना होता है। तो माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर है ना तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स, और ये जो 2 है इस पर जाके रूट बन जाता है, इसे 11 पर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस 11, यानी इसका मतलब होता है प्लस रूट 11 और माइनस रूट 11, यही इसके 2 शून्यक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, वही यही वाला हिसाब है, बनाना तनाना नहीं है। इस तरह के अगर हिसाब आ जाए तो आपको ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है ना इसको रूट में लिख देना बस, तो प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। तो एगो प्लस रूट 3 हो जाएगा और एगो माइनस रूट 3 हो जाएगा शून्यक, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आइए, अब इस तरह का हिसाब है एक, तो इसका गुणनखंड निकालिए, यही हो गया एक्स माइनस 2 और एक हो गया एक्स माइनस 3 गुणनखंड। अब शून्यक हमसे पूछा है तो शून्यक अब क्या जानते हो कि अब माइनस में आया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये भी माइनस में आया है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2/3 इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे दोस्तों। अब वही आ गया, ये पैटर्न का हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर रहे कि ना, बारी बारी देखो पैटर्न नहीं है, अंक चेंज हुआ है सिर्फ, तो वही है। तो हमने इस तरह के सवाल के लिए क्या बताया कि आपको अब कुछ नहीं, एक्स बराबर करना और ये जो भी चीज रहे उसको रूट में लिखना, तो प्लस माइनस रूट 2, इसका मतलब प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 अलग अलग लिख दो, रूट 2 और माइनस रूट 2, यही दो इसके शून्यक हो गए दोस्तों, खिलवाड़ कर रहे हो शून्यक के साथ। अब इसका निकालिए, तो अभी बताया हूं कि इसको क्या लिख सकते हो, 1 1, इसको 1 × 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, 1 2 1 2, हमको 3 लाना ही है, 2 या 1, 3 हो गया, अब प्लस है तो क्यों ना दोनों का चिन्ह क्या रख दे, प्लस प्लस तो हम ना जाके ये होगा, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, कुछ नहीं रहता है तो यहाँ एक्स एक्स बैठाना होता है, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 और ये हो गया एक्स प्लस 2, ये तो गुणनखंड हो गया, लेकिन हमको ज्ञात करना है क्या थी शून्यक, तो प्लस में आइल बा तो माइनस 1 हो जाए, प्लस में आइल बा तो माइनस 2 हो जाइए, माइनस 1 और माइनस 2 यही इसके शून्यक हो गए दोस्तों।